clear examined phenytoin from benzene. Phenytoin क्या है? सबसे पहले यही जानना है. Object हमारा है to prepare examined phenytoin from benzene. Phenytoin क्या है? सबसे पहले यही जानना है. Anti-convulsant drug है. Convulsant सबको पता है? नहीं पता है तो हिंदी में एक वर्ड आप लोगों ने बहुत सुन रखा होगा, मिर्गी जिसको बोलते हैं. मिर्गी अगर सुनी है उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जन. इसमें बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट को झटके आते हैं, कन्वर्जन होता है. शरीर जो है उसकी जो बॉडी है वो फ्रेंड सी जाती है. पेशेंट क्या होता है जब सीजर्स आते हैं, सीजर आने के बाद बेहोश हो जाता है, उसके मुँह से झाग निकलने लगता है, ठीक है, उसके दांत टिटकिटाने लगते हैं, चीविंग मतलब डिग्रेड होने लगती है, मसल्स जितने उनमें स्पास होने लगता है, उसकी आई बाल बहुत मूवमेंट करने लगती है और आपने एक जगह आपको फिक्स हो जाती है. जैसे हम लोग कहते हैं ना एक तक निहार रहा है ना, तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा उसी को देख रहा है. तो इतने सारे सिम्टम्स हैं कन्वर्जन में और किसी बीमारी का नाम है एपिलेप्सी, ठीक है. तो जो ड्रग इस एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है उसको बोलते हैं एंटी कन्वर्जन. और उसी ऑब्जेक्ट हमारा टू प्रिपेयर एंड सबमिट फेनेटोइन फ्रॉम बेंजिन. फेनेटोइन क्या है सबसे पहले यही जानना है. तो फेनेटोइन एंटी कन्वर्जन क्लास की एक ड्रग है जिसका नाम है फेनेटोइन. बात आ गई समझ में? फेनेटोइन इज कन्वर्जन या इसी को आप कह सकते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है. इस क्लास की ड्रग है जिसका यूज एपिलेप्सी या कह सकते हैं कन्वल्जन के ट्रीटमेंट में करते हैं. कन्वल्जन या एपिलेप्सी है क्या? मैंने बताया कि इसमें बेसिकली बॉडी में मूवमेंट होता है, मसल्स में रिकरेंट मूवमेंट मैसेज आता है ब्रेन से और फिर मसल्स में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है. इसी के साथ में पेशेंट जो कॉन्शियस होता है वो अनकॉन्शियस में कन्वर्ट हो जाता है. उसकी आई वॉल्स बहुत ज़्यादा मूव करती हैं, उसका ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, उसके हाथ पैर घूमने लगते हैं, साथ में उसके मुंह से झाग निकलने लगता है. ये सारे सिम्टम्स हैं एपिलेप्सी. अब उस जब एपिलेप्सी हो रही है तो कुछ कारण भी होंगे, किन कारणों की वजह से एपिलेप्सी हो रही है. तो सबसे पहला कारण यही है कि या तो उसको ब्रेन में ट्यूमर है या फिर जो ब्रेन के न्यूरो ट्रांसमीटर हैं उनमें इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है. तीसरा या तो फिर कोई इंजरी हुई है या फिर कोई सर्जरी हुई है ब्रेन की, तो जिसकी वजह से जो न्यूरॉन में मैसेज का ट्रांसफर होता है करंट के थ्रू ही मैसेज पहुंचता है, सबको पता है. वो करंट पहुंचता कैसे है? उसमें कॉज होता है डीपोलराइजेशन. हमने जो बात की थी डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन, बात की थी हमने. वो जो मैसेज का ट्रांसफर होता है नर्वस सिस्टम में कैसे होता है? जब जो न्यूरॉन से होती है उनमें डीपोलराइजेशन कॉज होता है और एक जगह से मैसेज दूसरी जगह पहुंचता है. जैसे मान लो हम यहां पे स्विच करें तो तुरंत मैसेज आता है, सॉर्ट आउट तुरंत खड़ा है, कुछ माइक्रो सेकंड्स में रिस्पांस क्रिएट होता है और हम अपना हाथ क्या करते हैं खड़ा देते हैं. लेकिन वो मैसेज आया कैसे? यहां से वो मैसेज यहां तक आया कैसे? किसी प्रोसेस के द्वारा आया होगा. तो प्रोसेस वही है बेसिकली, हमारे जो नर्व सेल होती है उनमें डीपोलराइजेशन कॉज होता है. लेकिन अगर यही मैसेज लगातार आने लगे तो हम वही काम करेंगे. जैसे मान लो हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैसेज आया कॉन्ट्रैक्ट करो, लेकिन अगर यही मैसेज बार बार आ रहा है तो हम क्या करेंगे? बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता रहेंगे. तो सेम वही कहानी सीजर में, हमारे ब्रेन से लगातार मैसेज का फॉरवर्ड होगा और जब लगातार मैसेज का फॉरवर्ड होगा तो हमारी मसल जो होंगी वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. सिंपल सी बात समझ आ गई. अब ये सीजर जो है जिसके कई प्रकार का होता है तो प्रकार पर चर्चा नहीं करनी है, टाइप्स पर चर्चा नहीं करनी, बस इतना समझना है कि सीजर में बेसिकली हमारी जो मसल्स होती है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट करती है. पेशेंट जो होता है वो कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी आई वॉल्स मूव करती हैं, ठीक है, उसे कुछ याद नहीं रहता, वो हैवी पेन होता है जब सीजर खत्म हो जाता है, ठीक है. साथ में उसके माउथ से भाग निकलता है, बॉडी जो है रिसीव कर जाती है, स्टिफनेस कॉज हो जाता है, बहुत ज़्यादा आकड़ जाती है. आपने देखा होगा अगर पेशेंट को देखा है किसी ने, मिर्गी के पेशेंट को अगर आपने देखा है, ये सारे सिम्टम्स आपको तुरंत समझ आएंगे, ठीक है. अब हमारे पास ये बीमारी आ गई, बीमारी को ट्रीट करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमने क्लास बनाई जिसका नाम हमने दिया एंटी कन्वर्जन या इसी को दूसरे नाम से जानते हैं एंटी एपिलेप्टिक.
इसका यूज बेसिकली कन्वल्जन या दूसरा नाम इसका एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में करते हैं। अब इसी क्लास की एक ड्रग है जिसका नाम है फेनिडोइन। आज इसी फेनिडोइन के हमें क्या करनी है, सिंथेसिस करनी है, इसके लिए प्रोसीजर हम आपको दिखाएंगे। अब सिंपली मार्केट में फेनिडोइन को फेनिडोइन है क्या, ये एक हेड एंड गोइंग क्लास है, उसकी डेरिवेटिव है। अब हेड एंड गोइंग का स्ट्रक्चर से जनरल बनाएं आपको ये हमारा हेड एंड गोइंग। इसी में हमने क्या किया है, कुछ मॉडिफिकेशन किया है, कुछ एड ऑन किया है और उसके बाद हमने बना लिया फेनिडोइन। और इसका यूज हम लोग कैसे करें, ऐसा कंटिन्यू करना होता है।